तो भैया क्या हाल है? मैं इस समय सऊदी अरब के शहर रियाद में हूँ और मैं सऊदी अरब का छोटा छोटा ब्लॉग आप तक पहुँचा रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप भी सऊदी मेरे साथ घूमें। यही नहीं, मैं इस चैनल पे आपके लिए छोटी छोटी जॉब भी ला रहा हूँ, जैसे बाइक राइडर, हाउस ड्राइवर, स्टोर कीपर और सुपर मार्केट में जो जॉब है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी मैं सऊदी अरब के शहर रियाद में हूँ और आपको यहाँ दिखाऊंगा हमारे इंडिया, हमारे पाकिस्तान, हमारे बांग्लादेश में क्या होता है कि पेड़ बहुत है, हरियाली है वहाँ पे, हमको पेड़ जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती। ज्यादातर क्या होता है हमारे इंडिया में, मैंने देखा है कि पेड़ काटे जाते हैं रोड के किनारे किनारे, मगर सऊदी अरब में मैं इस समय हूँ तो सऊदी अरब में जो पेड़ का हालात है वो मैं आपको दिखाऊंगा कि एक एक पेड़ के लिए कितनी जद्दोजहद की जाती है। वो होता है ना कि हमका कुछ जो फ्री में मिल जाता है तो हम लोग उसकी कीमत नहीं जानते हैं, और सऊदी अरब में यकीन मानिए एक पेड़ के लिए एक इंसान के बराबर खर्चा करना पड़ रहा है। तो चलिए दिखाते हैं काहे खर्चा करना पड़ रहा है, अब का खर्चा करना पड़ रहा है और कौन सा पेड़ है, तो चलिए देख लीजिए। तो देखिए बज रहे हैं सुबह के लगभग 8:30 और सऊदी अरब में इस तरह से पौधों को सींचा जा रहा है। ये हमारे फेवरेट जो कि इंडिया में जिनकी तादाद फ्री में हमको मिलती है पेड़ भैया इंडिया में, ये देखिए पीपल का पत्ता है, ये पीपल का पत्ता है। यहाँ पे ऐसे ही पेड़ रोड के किनारे लगाए गए हैं सऊदी अरब में, अब भैया ताकि सींचा जाता है ये पाइप, ऐसे देखिए लगा रहता है, ये टाइम टू टाइम ऑन होता है और फिर इसमें पानी भर जाता है ताकि सऊदी जो है हमारा वो हरा भरा रहे, एकदम खिलखिलाता रहे। काहे कि यहाँ की मट्टी पेड़ को उगने नहीं देगी, इतनी जालिम है, इतना रेत वाली मिट्टी है यहाँ पे, तो यहाँ से वहां तक पूरा पीपल का पेड़ लगा हुआ है और सब जगह फव्वारा चालू है। ऐसा नहीं है कि फव्वारा लगा है चालू नहीं है, अगर पानी नहीं चलेगा तो ये सूख जाएगा, क्योंकि मट्टी देखिए रेतही मट्टी है और ये पीपल का पेड़ है। तो भैया वीडियो में दिखाने का मतलब ही था कि इंडिया में हम लोग को पेड़ जो है वो फ्री में मिल जाता है, मगर सऊदी अरब में ऐसा नहीं है, जद्दोजहद करनी पड़ती है एक पौधा एक पेड़ के लिए। आई देखिए बिल्डोजर से मट्टी भी डाला जा रहा है, देख लीजिए बल्डोजर में मट्टी है, अब मट्टी से मट्टी को डाला जा रहा है, जौन पेड़ में गमले में मट्टी कम होगा वही में डाल दिया जाएगा ताकि उनमें मट्टी की कमी ना हो और उनमें पानी पड़े तो गीला रहे। उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को देख के ही समझ गए होंगे कि हम दिखाना कहाँ चाहते हैं और बताना कहाँ चाहते हैं कि अपने इंडिया में या आपके देश में अगर पेड़ पौधा है तो उसको अच्छे से पानी नहीं दीजिए, काटिए पीटिए नहीं, नहीं तो देख लीजिए इस देश में पेड़ को कितना सम्मान दिया जा रहा है, उसके लिए कितना जद्दोजहद करी जा रही है, और हमारे इंडिया में ऐसे ही उगाता है, इतना ज़्यादा उगाता है कि उसको हम लोग काटने पे उतारू हो जाते हैं और काट के फेंकते हैं। तो चलिए फिर सऊदी अरब के इस ब्लॉग में आपका स्वागत था और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।